एवरीवन, माय नेम इज स्मित एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल की आई हुई नई जॉब वैकेंसीज के बारे में। गूगल की तरफ से नया अपडेट आ चुका है जहाँ पे फ्रेशर्स कैंडिडेट इन्वाइटेड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या ये अपडेट आया हुआ है, कैसे आपके यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है, सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है, बिकॉज वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि इसके बाद जो चैनल पे वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा और भी काफी सारी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई है, सीधा हमारी ऑफिशियल साइट को गूगल पे टाइप कर लेना www.colori.com। जितनी भी रिसेंटली वैकेंसी आई है आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी, वहां जाके आप अप्लाई कर लेना। एक और आपके लिए गुड न्यूज है, एक और वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें एक प्राइवेट डिपार्टमेंट है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मतलब एक पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज आई है। और इसके अलावा जो नोटिफिकेशन आया है वो आपका आ चुका है रिलायंस जियो की तरफ से। वो वीडियोस हमारे सेकंड चैनल पे आ रही है जो कि मीत शर्मा है। यूट्यूब में आप इस तरीके से टाइप करना, मीत शर्मा, आपको पहले नंबर पर चैनल मिल जाएगा। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देती हूँ चैनल का डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाके हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज्यादा टाइम ही लेंगे, सीधा बात करेंगे गूगल की आई हुई नई जॉब अपडेट के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए अपडेट लेकर आने का। तो गूगल की तरफ से देखिए जो अपडेट आया है ये आपके वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों के लिए है, जहां पे कोई फी पे नहीं करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे चल के ही बताने वाली हूं कैसे कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है, क्योंकि सारी चीजें आपकी उसी पर डिपेंडेंट है। तो अप्लाई का ध्यान से आप समझ लेना, मैं आपको प्रॉपर रजिस्टर करके बताऊंगी कैसे अपनी डिटेल्स को फिल करके आप रजिस्टर करेंगे। तो ये जो देखिए जॉब रोल की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपकी जो आई हुई है गूगल की तरफ से है। सो वर्क के बारे में सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, वही आपको समझना जरूरी है, बहुत ही सिंपल आपकी जॉब है, हर कोई आपने से यहाँ अप्लाई कर सकता है। वर्क के बारे में यहाँ पे बात करें, जो डेटा वेयर हाउसिंग की इनकी टीम है, ठीक है, इसी के साथ साथ एनालाइज की जो इनकी एनालिटिक्स की टीम है उसके साथ आपको कोलैबोरेट करना होगा, ठीक है, ये आपका काम रहेगा। इसके अलावा आपको इंटरनल एनालिटिक्स सोल्यूशन प्रोवाइड करना होगा जो कि आप बिजनेस प्रोसीजर को ग्रो करने के काम आता है। उसके बाद आपको जो भी इशू आ रहा है इसी का उसको आइडेंटिफाई करना है और उनको रेजोल्यूशन देना है। वो सॉल्यूशन, वो आपको जो इशू हो सकता है वो आपका हो सकता है टेक्निकल डिजाइन, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, बेसिकली यही आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। हर कोई आप में से यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पे अगर हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, जॉब प्रोफाइल आपका क्या रहने वाला है, तो आपकी जो प्रोफाइल है सॉल्यूशन कंसल्टेंट इंटर्न की ये प्रोफाइल है जिसके लिए आप में से हर कोई अप्लाई कर सकता है। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन एलिजिबल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेक्शन आपके यहाँ पे डायरेक्ट होने वाली है गूगल की तरफ से, ठीक है, गूगल के ऑफिशियल साइट पे सीधा ये अपडेट आया हुआ है। तो वहीं पे आपको अप्लाई करना है, जहां पे मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप जो अप्लाई करने के लिए लिंक है, तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन की है जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है। आप कुछ अपना सीवी या फिर रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना है, वो आपको बिल्कुल अपडेटेड करना है, बिकॉज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे, ठीक है, आपको लगता है कुछ चेंजेस करने उसमें कर लेना। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे, इन द रिज्यूम सेक्शन अटैच एंड अपडेटेड सीवी और रिज्यूमे, ठीक है, यहाँ पे आपको रिज्यूमे सेक्शन की ऑप्शन मिलेगी जहां पे आपको अपना सीवी या फिर रिज्यूमे अपना अपलोड कर देना है। यहाँ पे प्रोफाइल देखिए जो मैंने आपको बताई है कंसल्टेंट इंटर्न के लिए है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से ये प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, 4 स्टेप है जिसको फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा। जहां पे पहले आप देख पा रहे हैं गेट स्टार्टेड, उसके बाद करियर प्रोफाइल आपको यहाँ पे अपनी अपडेट करनी है, जिसमें 5 to 10 मिनट्स आपको डेफिनेटली लगेंगे, क्योंकि गूगल कोई छोटी कंपनी नहीं है कि जहां पे आपके बस अपडेट किया, आपने अपना रिज्यूमे अपलोड किया और आपकी यहाँ पे हायरिंग हो जाए। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपको प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि करियर प्रोफाइल से खासतौर पर रिलेटेड, जो कि 5 to 10 मिनट्स का टाइम लेगी। एज अ फ्रेशर आप यहाँ एलिजिबल है, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। रोल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग लेस देन 1 मिनट आपको लगेंगे। उसके बाद आपको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करना है, जिसमें आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है, ज्यादा टाइम आपको सिर्फ यहाँ पे ही लगने वाला है जो कि आपका करियर प्रोफाइल से रिलेटेड है, उसमें आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना, इधर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्रिएट योर प्रोफाइल की ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन किया है जो स्टार फील्ड है ना, वो सारी मैंडेटरी है, मतलब जहां जहां इस तरीके से स्टार लिखा हुआ है ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ लिखनी होंगी। जैसे अब यहाँ पे आपको अपना लीगल नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडल, लास्ट नेम,
मतलब जो आपका डॉक्यूमेंटेड नेम है वही आपको यहाँ पे अपना लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी हो। सो यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल जो फिल कर दिया, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सबमिट प्रोफाइल एंड कंटिन्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में दिखा था ना कि जो आपको रिज्यूमे बॉक्स मिलेगा वहां पे आपको अपना अपलोड करना है रिज्यूम। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है तो आपका जो लीगल नेम है ठीक है उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स दिखना होगी। अगर आपके पास कोई पासपोर्ट है या DL है या कोई अदर अपना डॉक्यूमेंटेड है आपके पास। कंट्रियां मैंने ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट कर लिया जब मैंने अपनी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट की है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपनी सिटी लिख देना है ठीक है। हायर एजुकेशन में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम अटेंड किया है, अगर किया है यस आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो सिलेक्टेड है ठीक है। जो जो डिटेल्स आपसे यहाँ मांग रहा है एज इट इज आपको लिख देना है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस में देखिए क्या आप अपने फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे यस सिलेक्टेड है क्योंकि ये है ही फ्रेशर्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि कौन सा स्किल आपके पास है जो आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करना चाहते हैं। ये वही प्रोसीजर है जो आपको मैंने बताया था, अपनी प्रोफाइल में आपको यहाँ पे 10 मिनट्स के अराउंड लगने वाले हैं ठीक है। कवर लेटर वैसे ऑप्शनल है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप कवर लेटर यहाँ पे लिखिए। कवर लेटर के बारे में आप अवेयर नहीं है आपको बता दूं, रिज्यूमे की तरह ही होता है बट उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ चीजें होती है जो आपने मेंशन नहीं की होती अपने रिज्यूमे में तो आप उसको एज अ कवर लेटर सबमिट कर सकते हैं। कवर लेटर का फॉर्मेट मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे रही हूँ, वहां पे आप देख लेना ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल प्रेफरेंस की आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है, वो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे सारी चीजें वो आप रीड कर सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है, सबमिट प्रोफाइल एंड कंटिन्यू पे आप यहाँ क्लिक कर देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमने प्रोफाइल क्रिएट किया है तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये आपकी रोल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बेसिकली इन्फॉर्मेशन थी ठीक है। जब हमने प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे अपना रिव्यू एंड अप्लाई की ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। बस आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल को रिव्यू कर लेना है, प्रोफाइल को मतलब आपको चेक कर लेना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है जो आपने मेंशन नहीं किया या कोई चीज गलत हो आपने मेंशन नहीं कर दी। उसके बाद बस सबमिट पे क्लिक करना, आपका सक्सेसफुल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। सो जो स्टेप मैंने आपको भी बताया है उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए अप्लाई करना है, कोई भी अदर प्रोसीजर या फिर अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप अपनी ग्रेजुएशन अभी कर भी रहे हैं ना तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तब भी आप यहां एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तीनों कंडीशन में आप यहां एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको सीधा अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे क्लिक करके जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे समझाया कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्टर करना है, उस तरीके से आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना, हमारा सेकंड YouTube चैनल मीत शर्मा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आप कमेंट जरूर किया कीजिए, हमारी टीम बैठी है डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।